नमस्कार, मैं हूं शैभ अजय चोपड़ा और आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी तो लाएंगे, लेकिन एक ऐसे इंसान से आपको मिलाएंगे जिनकी जिंदगी आपको आशा देगी, होप देगी और एक ऐसी अमेजिंग फ्लेवर देगी, क्योंकि ये पूरे मुंबई में अब स्वाद फैला रही हैं। गुज्जू बेन इनको प्यार से बोला जाता है। गुज्जू बेन का नाश्ता इनका यूट्यूब चैनल है, लेकिन गुज्जू बेन एक 77 ईयर्स की मॉम है जिनके साथ एक बहुत भयानक ट्रेजेडी हुई थी, लेकिन उस ट्रेजेडी ने उनको तोड़ा नहीं, उस ट्रेजेडी ने उनको एक मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी कुछ नया करने के लिए। अभी बुलाते हैं बा को, गुज्जू बहन को, माँ को, जिसको भी आप बोले, स्वागत करता हूं बड़े ही प्रेम से गुज्जू बहन। आज बा बड़ा कुछ स्पेशल लेके आई है, क्या लेके आई है? आज हम बताएंगे पराली थाली, क्योंकि साल में कितनी बार सब उपवास करने का होता है। हाँ। अगर किसी का मंगलवार रहता है, किसी का गुरुवार रहता है, किसी का शनिवार रहता है, तो सबको फराली खाने का तो इच्छा होता है। फराली मतलब उपवास का खाना। उपवास का खाना। वैसे उपवास से एक मेरे को स्टोरी याद आ रही है, मेरी मम्मी भी बहुत उपवास रखती थी और उपवास के टाइम पे जो खाना बनता है ना, मेरा इंटरेस्ट ज्यादा उसमें रहता था क्योंकि टेस्टी बहुत होता है। और आपका उपवास, हम लोग छोटे थे ना तब हमारी मम्मी या हमारी दादी बनाती थी और वो उपवास रखती थी, तब हमारा भी उपवास है। मेरा भी ऐसे कोई डायलॉग रहता था, खाना खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज की फराली थाली बनने वाली है बहुत ही स्पेशल, क्या क्या जाएगा उसमें? उसमें हमने लिए है आलू, आलू का सूखी भाजी बनाएंगे। हाँ। ये राजगिरा के लोट की पूरी बनाएंगे, राजगिरा आटे की पूरी। अच्छा। और उसमें ही हम कढ़ी बनाएंगे, राजगिरा आटे की कढ़ी भी बनेगी। ओके। दही लिया है, ये पीनट ली है, इसका चटनी भी बनेगा, चटनी भी बनेगा और सूखी भाजी में भी जाएगी। तो थाली में आएगा राजगिरे की पूरी, सूखा भाजी, साथ में चटनी, कढ़ी। इंतजार नहीं हो रहा, शुरू करते हैं। कढ़ी बना लेंगे, सबसे पहले कढ़ी बना लेंगे। अच्छा, कढ़ी के लिए हमें चाहिए मिर्ची, बड़ा बड़ा ही काटना है। बड़ा बड़ा ही काटना है। ओके, तो ये बड़ा बड़ा मिर्ची। और भी हमें मिर्ची तो चाहिए, आप अभी काट लो साथ में तो भी चलेगा हमें। ओके, तो ये सब बड़ा बड़ा क्यों काटते हैं, मतलब आप? हम लोग ये छोटा काटने से क्या होएगा कि ये मुंह में आता है तो मुंह कभी जलता है, ये तीखा मिर्ची रहता है तो। हाँ, हाँ, हाँ। और बड़ा बड़ा आता है तो खाली उसका स्वाद आ जाता है। अच्छा। और वो तीखा नहीं लगेगा आपको। बराबर। अभी हम कढ़ी की तैयारी करेंगे। ठीक है। कढ़ी की तैयारी के लिए हमने ये पतीला लिया है, उसमें हम डालेंगे दही 3 चम्मच। हाँ, बस बस। और अब इसमें डालेंगे हम 1-2 चम्मच भर के आटा। ओके, बरबर मिक्स करना है। अभी हमें इसमें डालना है पानी, चलो पानी, पानी अच्छे से। हाँ, क्योंकि एक एक वाली कढ़ी तो खाएंगे ना। तो अपनी कढ़ी हमको बहुत ठीक कढ़ी नहीं बनानी, पतली कढ़ी, पतली कढ़ी बनानी कि कड़ी की कंसिस्टेंसी जो है ये एकदम पानी जैसी, छाछ, छाछ जैसी है, छाछ जैसी है बिल्कुल। अभी 1 चम्मच डाल दो और आधा चम्मच। हाँ? अब इसमें मैं डालूंगी शक्कर। कितना शक्कर डालना है हमें? ये 3 चम्मच शक्कर डालना है, छोटा चम्मच। हाँ? तो एक तरफ कड़ी उबालने छोड़ दिया, उसको हिलाते रहना है। हाँ? क्योंकि आटा हो चाहे बेसन वो बैठ जाता है। तड़का देंगे, तड़का देंगे बिल्कुल। इसके लिए हमें चाहिए तेल। अब हम डालेंगे जीरा, अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा हरा मिर्ची और थोड़ा कड़ी पत्ता। देखो अब इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, मजेदार, बहुत ही खूब सरस। अदरक थोड़ा डालेंगे, इसको चॉप करना है, इसको चॉप करना है बारीक बारीक, बारीक बारीक। अब हम इसमें डाल देंगे कड़ी में, तो करीबन 1 छोटा चम्मच गया। हाँ, अदरक, अदरक। अब यहाँ हमारी कड़ी हो रही है, तब तक मैं अभी बटाटे की सूखी भाजी बनाऊंगी, सूखी बटाटा की भाजी। अब हमें ये सिंगदाना है उसको टेकने का है, मतलब उसका थोड़ा भुक्का करने का है, लेकिन हमें बहुत बारीक भुक्का नहीं कर डालने का है, थोड़ा आखा, थोड़ा 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 दर दरा।
तब तक आप ये देखो मैं आलू काट लेती हूँ। माँ से कभी भी इस टाइप का इंतजार नहीं होता। पेशेंस वैसे बाकी पूरी है लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे ठेच रहे हैं, मैं आलू काट लेती हूँ। अभी इधर आलू की सब्जी के लिए हाँ गैस ऑन कर देते हैं और उसमें तेल डालते हैं। तेल, यस। करीबन चार बड़े चम्मच। हाँ बस। पक्का। आप जीरा डालो 2 चम्मच भर के। तो आपके हाथ में है मिर्ची और कड़ी पत्ता मतलब लीमड़ा बीमड़ा। अब गया मोटा मोटा कटा अदरक। चार से पांच चम्मच। 2, 3, 4 और 5। अभी आप इसको वापस कूट दो जो अपने को चटनी के लिए चाहिए। अच्छा, चटनी में पीसना नहीं है, कूटना है? नहीं, कूटना है। तो मैं इसमें ये मिर्ची डाल देती हूँ। अभी हम इसमें डालेंगे नमक। नमक। अभी डालेंगे शक्कर 1.5 चम्मच। आधा लींबू का रस डालेंगे। कोथमीर डाल दो, यानी कि धनिया। प्यार से डालो जरा, प्यार मोहब्बत। हाँ, इसमें डालो थोड़ा धनिया। मम्मी जब बना रही हो ना तो ऐसे आके कढ़ाई में खाने का मजा ही कुछ हो रहा है। पर आप लोग बोलेंगे कि व्रत का खाना है शेफ, ऐसे मत खाओ। माफ़ कीजिए, मैं व्रत के लिए बना रहा हूँ, बट मेरा व्रत नहीं है, मम्मा का व्रत नहीं है, बा का व्रत नहीं है, हम आपके लिए बना रहे हैं। तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ। व्रत रख लूँ? अब हम बनाते हैं राजगिरे का पूरी। तो ये करीबन 2 कप राजगिरे का आटा होगा। हाँ, तो इसमें हम डालेंगे ये आधा आलू। ओके। अभी हम इसमें डालेंगे नमक, अभी काली मिर्ची का पाउडर, यानी आधा टीस्पून आला और थोड़ा मिर्ची। तो ये मैं इसको ठेचने के लिए बोलती हूँ। थोड़ा सा ना? हाँ थोड़ा सा। हाँ इतना डाल दो। अब हमें ये आटा हमें गूंदने का है। मम्मी का हाथ आप समझ लो, ये 2 कप राजगिरे के आटे में अभी तक आधा कप पानी जा चुका है। तो थोड़ा डालो पानी। थोड़ा डालेंगे पानी चारों तरफ। थोड़ा ये वाली डालो बस। अब आप ना मेरे को साथ साथ बताते जाओ चटनी में क्या क्या जाएगा। यहाँ पे करीबन 1 छोटा चम्मच अदरक और 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च को ठेच दिया। अब इसमें ये सिंगदाना डाल दो। ये देखो। हाँ। ये ठेच के ऐसा हाँ। बन गया। अब ये पूरा सिंगदाना इसमें डाल दो। पूरा सिंगदाना। इसमें थोड़ा नमक डालो, आधा चम्मच चीनी। तो ठेचने से पहले करो इसको थोड़ा सा मिक्स। अच्छा, आप इसमें थोड़ा तेल दे दीजिए मुझे अब लास्ट में। पूड़ी का आटे में तेल तो जाना जरूरी है। एक चम्मच दही? ज्यादा 2 चम्मच डालो दही। हाँ बस। जो हाँ ये है उसको दही में डालना है हमें। ये तो रायता जैसा बन गया बिल्कुल। हाँ। इसको भी टेस्ट तो करा जाए। बहुत एकदम बराबर। हाँ। अभी हम बनाते हैं पूरी। हाँ।
ये आटे की पूरी भी बन सकती है और थेपले भी, जो उपवास में थेपले खाते हैं उसके, वो थेपले भी खा सकते हैं और पूरी भी खा सकते हैं। लेकिन पूरी से पहले देखा जाए कि आटा हुआ कैसे। देखो आटा जो नॉर्मल आटा गूंथता ना वैसा नहीं है, ये आटा साथ में बनता नहीं है, अलग अलग डिसइंटीग्रेट होता है। ये जो बनाने का टेक्निक है वो देखना बहुत जरूरी है। और हम अब बनाएंगे पूरी। पूरी तो उसके लिए मैंने ये आटा रखा है, वो पूरी ऐसा ही नहीं बेला जाता है, उसको इसके आटे में लगाना ही पड़ेगा। हल्का सा सूखा आटा और फिर ये पूरी को हल्के हाथ से बेला। अभी आप फ्राई करके देखो। फ्राई करके देखूं मैं आराम से बिल्कुल। ये वैसे ही तो फूलेगी कि कम फूलेगी? कम फूलेगी। हाँ बस हो गया। देखो हमारा पूरी कैसा हुआ है, एकदम लाल है, मजेदार। मेरी मम्मी शकरकंदी की भी पूरी बनाती है। हाँ बनती है। वाह सच में वाह। पूरी सूखी भाजी और ये आपको अच्छा लगेगा कड़ी चटनी, मजेदार। वाह वेट नहीं हो रहा बिल्कुल अभी तो। साड़ी सजा के खा लो आप बस। हाँ पूरी सबके लिए तल लें? तल लेते हैं, कोई बात नहीं अभी हो जाएगी। पूरी तलने का भी स्टाइल जो है ना हर तरफ से, एक बार ही तलने का, दूसरी बार उल्टा नहीं करना, एक बार खो गया ऊपर का फिर वापस नीचे नहीं, उल्टा नहीं डालने का, नहीं तो तेल अंदर घुस जाता। छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टिप्स। चलिए वाह एकदम बढ़िया कड़क पूरी तैयार हो गई है। वाह 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 साथ में कड़ी, और कड़ी भी तैयार है, धुआंदार, और सूखी भाजी भी तैयार है। इसका मतलब सब रेडी, अब बस डालना है और इनको खिलाना है। इनको नहीं खिलाना, ये तो अपने आप बना के खाएंगे ना, हमें खाना है। चलो प्लेटिंग करते हैं।